नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की था, हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, सभी मांगे पूरी हो गई हैं और यहाँ ऑफिशियल आपका जो नोटिस जारी हो चुका है, पूरा जो भी आपकी मांगे थे सब चीज़ उसमें आपका पूरा हो गया है। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम डेट भी आ गया है कि कब से लोग एग्ज़ाम कराएंगे। हम डायरेक्ट उसी पर चलते हैं और सब बाकी न करते हुए, ये जब EWS का है, आप चाहे 19 का हो, 18 का हो, चाहे जो भी इनकम कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी एलिजिबल होगा इसमें। ठीक है, और कुछ इसमें बातें हैं जो सब चीज़ उसको मान लिया गया, जो आपका सिंगल स्टेज होगा उसमें ग्रुप डी में वो भी हो गया है, आपका 20 गुना रिजल्ट आएगा सबका अलग अलग वो भी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है सब कुछ। देखिए मेन शेड्यूल आपको देखना है तो रिवाइज रिजल्ट ऑल पे लेवल्स सभी डिक्लेयर होगा कब, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। ठीक है, NTPC की बात कर रही है यहाँ पे रेलवे की, जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है उसमें आपका जारी होगा जो रिजल्ट आने वाला है फिर से। ठीक है, अच्छा फिर CBT 2 सेकेंड फॉर द P6 हेल्ड ऑन द मई, फिर एग्ज़ाम होगा कब, मई में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा अप्रैल में, उसके एक बाद एक महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है मई में। अलग अलग जोन वाइज इस बार होगा, मतलब इलाहाबाद जोन का अलग हो जाएगा, मुंबई जोन का अलग हो जाएगा, कलकत्ता जोन का अलग हो जाएगा, बेंगलुरु जोन का अलग हो जाएगा, अलग अलग सभी जोन का होगा इसमें। ठीक है, तो अलग अलग रिजल्ट भी आएंगे और अलग अलग पेपर होगा, तो मतलब एक ही दिन नहीं होगा, कुछ दिन का गैप देके होगा। पहले इलाहाबाद जोन का हो गया 2-3-4 दिन का गैप, मतलब कुछ ही दिन का गैप, इसके बाद अगला होने वाला एग्ज़ाम। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इस बार परसेंटाइल होगा, मतलब जो भी आएगा ऊपर से लड़कों को उठाते जाएंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक आपका हो जाएगा। जो पहले नंबर बढ़ता था ज़्यादा ज़्यादा, वो अब नहीं होने वाला है और यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा चांसेस है कि अलग अलग आपका कट ऑफ बनेगा, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ख़त्म भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं हुए तो। ठीक है, जल्दी अगर एक ही डेट में एग्ज़ाम, जैसे कि अलग अलग डेट में एग्ज़ाम जब होता है तब उन लोगों को लगता है कि अलग अलग पेपर बना है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करना है। ये लोग प्रयास इस बार करेंगे कि एक ही पेपर बनाया जाए और उसी के हिसाब से सबको कट ऑफ दिया जाए, बाकी नॉर्मलाइजेशन हटाना चाहते हैं लोग। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम द जुलाई 2022, मतलब जुलाई में ऑनवर्ड लगभग वो कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ग्रुप सी की, उसमें ग्रुप डी की बात हो रही है। तो ये चीज़ें थी, आए थी, इसका PDF आपको सेंड कर दिया गया है आपका टेलीग्राम में, वहाँ भी देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।